नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की आपके साथ साझा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ TET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उनके आंसर रहेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की अवस्था कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था इसका सही जवाब होगा। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? समाजीकरण की प्रकृति क्या है तो इसका सही जवाब होगा अंतः प्रक्रियात्मक प्रक्रिया। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझते हैं कि उन्हें चाहे दूसरों की दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो इसका सही जवाब होगा संवेगात्मक विकास पर। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने के लिए कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा विचारों के मुक्त आदान प्रदान के आदर्शीकरण। जीन पियाजे की किस अवस्था में भाषा योग्यता? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब होगा। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर बाल्यावस्था। सामाजिक विकास के किस चरण में? इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित अक्षमता से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो रचनावादी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा अभियोग्यता का विकास। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से प्रश्न पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आक्रामकता का कारण सामाजिक भी हो सकता है ना कि मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, आप पूर्ण सहमत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, रूपा को किस प्रकार किस समूह के अंतर्गत रखेंगे? तो इसका सही जवाब होगा क्षति। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी का प्रयोजन रखा गया है जिसका उद्देश्य है तालमेल बैठाकर सीख सके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है, अनुकरण व पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर? अगला प्रश्न है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका अपने कौशलों का विकास करने का अवसर मिलता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने पूरी साइकोलॉजी के आंसर की आपके साथ साझा की है और अब हम हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके आंसर की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे गए हैं हिंदी में, इसके आंसर की हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पीताम्बर में समास पूछा गया है,
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप इस पेपर की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपका इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इंग्लिश के प्रश्न भी पूछे गए हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए हैं। द स्कांट नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, हियर स्कांट इज यूज एज एन एडजेक्टिव, ग्रैपल विद। इससे अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले आगे के सभी जो बचे हुए पार्ट हैं उनके आंसर की। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। पैडागोजी भी अच्छे लेवल की एग्जाम में पूछी गई है। आप देख सकते हैं मैथ के प्रश्न भी अच्छे पूछे गए हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की बात करते हैं, पैडागोजी पूछी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इस पेपर की पीडीएफ जानना चाहते हैं और आने वाले आगे के प्रश्नों की आंसर की देखना चाहते हैं आगे के जो पार्ट बचे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस पेपर की पीडीएफ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।